वेलकम अगेन टू चैनल इंग्लिश एवरीडे और हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों का मीनिंग क्या होता है। ईच एंड एवरी दोनों का ही जो मीनिंग होता है वो प्रत्येक होता है, यानी कि सिंगल के लिए हमेशा ये यूज होते हैं, इसीलिए इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है। अब इनका प्रयोग सिमिलर कैसे दिखता है पहले तो हम ये देखते हैं। यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, देयर इज अ टेलीफोन इन ईच रूम ऑफ द हाउस। फिर नेक्स्ट एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है देयर इज अ टेलीफोन इन एवरी रूम ऑफ द हाउस। अब यहां पर एक चीज देखिए कि प्रत्येक कमरे में टेलीफोन है और यहां भी हम ये कहेंगे कि प्रत्येक कमरे में एक टेलीफोन है, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है दोनों में, इसमें ईच और एवरी में क्या अंतर है? अंतर हमारी इमेजिनेशन में है कि हम चीजों को कैसे इमेजिन करते हैं। अगर यहाँ पर दो डायग्राम दिए गए हैं, जैसे आप इमेजिन करते हैं, जैसे इस रूम में भी टेलीफोन है, इस रूम में भी टेलीफोन है और इस रूम में भी टेलीफोन है, तो इस तरह से जब हम इनको सेपरेटली इमेजिन करते हैं, जब हम चीजों को सेपरेटली इमेजिन करते हैं तो हम क्या कहते हैं, ईच कहते हैं, ईच रूम ऑफ द हाउस। लेकिन जब हम इनको कंबाइन करते हैं, इमेजिन करते हैं, यानी कि पूरे हॉल को एक ग्रुप के रूप में देखते हैं, एक एक को कि सभी रूम में है, तो हम इनको क्या बोलते हैं, तब हम इनको बोलते हैं एवरी रूम ऑफ द हाउस। इनका सबसे पहला और मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि ईच जो हमेशा वो किस लिए यूज होता है, टू और मोर देन टू, यानी कि दो चीजों के लिए या दो से ज्यादा चीजों के लिए, दो से ज्यादा भी उतनी जितनी काउंट की जा सके या जितनी इमेजिन की जा सके। जैसे कि देखिए, इन ए फुटबॉल टीम ईच टीम हैज 11 प्लेयर्स। अब देखिए फुटबॉल में कितनी टीमें होती है, दो टीमें, तो हमेशा क्या होगी, या तो दो से होगी इनकी काउंटिंग शुरू या दो से ज्यादा की बात होगी। तो ईच टीम, देखो ये टीम जो है वो क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसा कि पहले बताया था कि ईच और एवरी हमेशा किसके साथ आते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं, और इन्हें कौन सा वर्ब जो होता है, सिंगुलर वर्ब द्वारा ये फॉलो किए जाते हैं। तो ये वर्ब कौन सा, ये वर्ब भी क्या है, सिंगुलर है। अब यहां पर देखिए एवरी की बात करें तो एवरी का जो यूज होता है वो किसके साथ होता है, थ्री और मोर देन थ्री, यानी कि दो के लिए हम कभी भी एवरी का यूज नहीं कर सकते। इनका यूज स्टार्ट ही कहां से होता है, थ्री से स्टार्ट होता है, तीन से इनकी काउंटिंग स्टार्ट होती है कि जो बात तीन से शुरू हो और फिर एंडलेस, फिर कितना भी नंबर उसमें जा सकता है। जैसे कि देखिए, एवरी टीम इन द टूर्नामेंट हैज 11 प्लेयर्स। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, दो टीमों की बात हो रही है, और यहाँ पर एवरी टीम अगर लिखा हुआ है तो मींस टूर्नामेंट में जितनी भी टीमें हैं उन सब में से प्रत्येक टीम के कितने हैं, 11 प्लेयर्स हैं। सेकेंड मेन डिफरेंस है कि ईच को हम एज ए प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं और एज एन एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं, परंतु एवरी को हम एज ए प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते, केवल एज एन एडजेक्टिव भी यूज करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज अ पेन। ईच ऑफ द गर्ल्स, जब ईच ऑफ द, ईच के बाद ऑफ द आ जाता है तो ये ईच किस लिए यूज हो रहा है, एज ए प्रोनाउन यूज हो रहा है। ईच ऑफ द गर्ल्स हैज ए पेन, लड़कियों में से प्रत्येक जो है वो एक पेन रखती है। अब देखिए यहां पर है, ईच गर्ल हैज ए पेन, और जब गर्ल के साथ ईच लगा होता है, नाउन के साथ है, तो ये ईच कैसे यूज हुआ है, एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। पर यहां पर देखिए Every can't be used as a pronoun. Every जो है वो as a pronoun use नहीं होता। जैसे देखिए, every of the girls, ये sentence गलत है। Every of the girls ऐसे नहीं होता। क्या होता है? Every girl has a pen. यानी every girl, every यहाँ पे as an adjective तो use हुआ है, लेकिन यहाँ पे every as a pronoun use नहीं हो सकता।
थर्ड डिफरेंस है हमारा, ईच कैन बी यूज्ड विदाउट नाउन, ईच को हम विदाउट नाउन यूज कर सकते हैं पर एवरी को नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ देखिए, नन ऑफ द रूम्स वॉज द सेम, कोई भी जो रूम था वो सेम नहीं था, ईच वॉज डिफरेंट, प्रत्येक क्या था, प्रत्येक जो था वो डिफरेंट था। लेकिन हम या ईच वॉज जैसे लिखे हैं, हम एवरी वॉज यूज नहीं कर सकते, एवरी कांट बी यूज विदाउट नाउन, नाउन के बिना यूज नहीं हो सकता। हम केवल एवरी बुक, एवरी रूम, हम ये नहीं लिख सकते कि एवरी वॉज, ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ मेन रीजन जो है वो ये है कि हम कोई काम कितनी बार होता है उसके लिए, यानी कि हाउ ऑफन, कितनी बार कोई कार्य किया जाता है, जैसे 5 सालों में 1 बार, 2 बार, हर 10 मिनट में, 20 मिनट में, 30 मिनट में, तो वहां हम क्या यूज करते हैं, वहां हम एवरी यूज करते हैं, ईच यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए देखिए, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, हाउ ऑफन कितनी बार, देयर इज ए बस एवरी 10 मिनट्स, हर 10 मिनट में एक बस है, तो एवरी आएगा यहाँ पे। हम ये नहीं लिख सकते कि ईच 10 मिनट्स, हम ईच नहीं लिख सकते, वहां पर हम क्या लिखेंगे, एवरी 10 मिनट्स। और यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है, अगर एवरी के बाद कोई न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाता है 2, 3, 4, 5, तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो कौन सा होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। जैसे कि यहाँ देखिए, ही विजिट्स एवरी वीक, तो ये कितने क्या हर हफ्ते करते हैं, तो जो बात हर हफ्ते यानी कि कितनी बार होती है उसके लिए क्या आता है, एवरी आता है, ईच नहीं आता। नेक्स्ट जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि नियरली, ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली, विदाउट एक्सेप्शन, इन चारों वर्ड्स के साथ हमेशा एवरी यूज होता है, ईच नहीं होता। जहां पर भी ये वर्ड्स आते हैं वहां पर ईच नहीं आता, हमेशा एवरी आता है। नियरली, ऑलमोस्ट, इसका मतलब होता है लगभग, और उसके बाद व्यवहारिक रूप से बिना एक्सेप्शन के इन चारों के साथ हमेशा हम क्या यूज करेंगे, एवरी यूज करेंगे। जैसे कि देखिए, मीना हैज रेड ऑलमोस्ट एवरी बुक शी हैड, मीना वो सारी बुक्स पढ़ चुकी है जितनी वो रखती है, तो ऑलमोस्ट, फिर एवरी। आई सी हर नियरली एवरी डे, मैं उसे लगभग प्रतिदिन देखता हूं, तो नियरली के साथ यहाँ पर क्या है, एवरी आ गया, और ऑलमोस्ट के साथ एवरी। आई मीट फेमस पीपल प्रैक्टिकली एवरी डे, प्रैक्टिकली के साथ यहाँ पे क्या है, एवरी आ गया, फेमस पीपल को मैं व्यापारिक रूप से प्रतिदिन मिलता हूँ, तो ये वर्ड्स जो है वो जरूर मेमोरी में रखने हैं। नेक्स्ट मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि पोजीशन ऑफ ईच जो है वो इन द मिडल भी हो सकती है सेंटेंस के, और इन द एंड भी हो सकती है। कैसे, जैसे द स्टूडेंट्स वर ईच गिवन अ प्राइस, तो ये ईच कहाँ पे, इसकी पोजीशन मिडल में है, और फिर हम एंड में कैसे करते, दोस ओरेंजेस कॉस्ट 5 रुपीज ईच, तो ये ईच कहाँ पे है, ये ईच हमारा एंड में है। हम एवरी को इस तरह से यूज नहीं कर सकते, और हम अगर एवरी को इस तरह से यूज करते भी हैं तो हम क्या करते हैं, फिर एवरी वन लगाकर, जैसे आई हैव रेड एवरी वन ऑफ दोज बुक्स, लेकिन यहाँ पे एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको, एवरी वन को आपने अलग अलग लिखना है, क्योंकि एवरी वन जो होता है वो किसी भी वस्तु के लिए यूज होता है, और जो एवरी वन है वो किसके लिए यूज होता है, वो एक पीपल्स के लिए, एक आदमी या इंसान के लिए यूज होता है, जैसे कि एवरी वन या एवरीबडी। अब हम ईच और एवरी का डिफरेंस यहाँ पर एक छोटी सी एक्सरसाइज फिल करने के बाद ही समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो दिया गया है हमारे फिलअप, डैश ऑफ द टू गर्ल्स गेट्स अ प्राइज, यहाँ पे हमें ईच और एवरी में से एक को फिल करना है। डैश ऑफ द टू गर्ल्स, पहली बात तो दो की बात हो रही है यहाँ पे, तो दो किसके लिए आता है, हमेशा दो से कौन शुरू होता है, ईच शुरू होता है। सेकंड जो हमारा यहाँ पर दिख रहा है वो
वो क्या है, ऑफ द, तो यहाँ जो भी आएगा वो प्रोनाउन होगा क्योंकि ईच ऑफ द होता है, एवरी ऑफ द नहीं होता, तो यहाँ पे हम क्या फील करेंगे, ईच। नेक्स्ट फिलअप देखिए यहाँ पे, डैश कैंडिडेट वॉज गिवन अ सर्टिफिकेट। अब हम कैंडिडेट तो कितने भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या फील करेंगे, जब भी बात इमेजिन हो नंबर लेस बहुत सारे हो तो हम क्या फील करते हैं, एक ग्रुप में बात कर फील करना हो तो हम एवरी फील करते हैं, तो यहाँ पे हम फील करेंगे एवरी कैंडिडेट। नेक्स्ट देखिए, डैश ऑफ द टीचर्स, ऑफ द आते ही अब तो आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर क्या आएगा, ईच ऑफ द टीचर्स। नेक्स्ट है, ही हैज फिल्ड ऑलमोस्ट डैश फॉर्म इन द फाइल। ऑलमोस्ट और ऑलमोस्ट के आते ही आप फॉर्म आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे फॉर्म आएगा, ही हैज फिल्ड ऑलमोस्ट डैश फॉर्म इन द फाइल, तो क्या आएगा यहाँ पे, एवरी आएगा क्योंकि ऑलमोस्ट के बाद हमेशा क्या आता है, एवरी आता है। डैश इंडियन मस्ट डू हिज ड्यूटी, डैश इंडियन, अब यहां पर बात हो रही है पूरे ग्रुप की, पूरे इंडियन की बात हो रही है, तो हम क्या भरेंगे यहाँ पे, एवरी इंडियन। डैश स्टूडेंट वेंट टू मीट द चेयरमैन वन बाय वन, जब भी हम वन बाय वन किसी चीज को इमेजिन करते हैं एक के बाद एक, तो हम क्या फील करते हैं, ईच फील करते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ईच। तो ये था हमारा कंसेप्ट डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।